एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सेंट्रल। तो चलिए नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं, वो है ग्लोबलाइजेशन एंड एमएनसी। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और बेसिकली 8 मार्क्स से क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें आपको मीनिंग पूछ सकता है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सिर्फ ग्लोबलाइजेशन, अभी एमएनसी की बात नहीं हो रही है। इसके साथ साथ फीचर्स ऑब्जेक्टिव्स ये सब पूछ सकता है। इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो भी कंप्लीट 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इसमें हम लोग मीनिंग डेफिनेशन फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करेंगे। इसमें आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट पूछ सकता है या तो फिर मीनिंग डेफिनेशन और ऑब्जेक्टिव्स बस पूछेगा। जो भी पूछे ये वीडियो में आपको वो आंसर पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आता है वर्ड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का अगर मैं मतलब बताऊं तो जो हमारा ग्लोब है, ग्लोब यानी कि जिसमें सारे कॉन्टिनेंट सारे कंट्रीज सब एक साथ आती है, तो उस ग्लोब में ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि पूरी जो कंट्री है ना वो एक मार्केट बन जाए। इसमें इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में कोई भी बैरियर ना हो, यानी कि अगर सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो इंटीग्रेट इकोनॉमी ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज है उनकी इकोनॉमी को एक साथ लेके आना। जैसे अगर मैं किस कहीं से भी चाइना से भी खरीद सकती हूँ सामान, रशिया एंटार्क्टिका न्यूजीलैंड को कहीं से भी मैं सामान खरीद सकती हूँ, ये इंटीग्रेटिंग, हम इकोनॉमी को एक साथ लेके आ रहे हैं। ये है हमारा कंसेप्ट अबाउट ग्लोबलाइजेशन। मीनिंग कैसे लिख सकते हैं आप? मीनिंग लिखेंगे आप कि मीन्स इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ कंट्रीज विथ द वर्ल्ड इकोनॉमी। वर्ल्ड इकोनॉमी कंट्रीज की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करो। या अगर फर्दर में जाए तो ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब एक साथ लेके आना, तो ये एक प्रोसेस है जिससे हम सारी कंट्रीज को एक साथ लेके आ रहे हैं एंड ग्रोइंग इकोनॉमी, और सब मिलके क्या कर इकोनॉमी को ग्रो कर रहे हैं और इनकी इंटरडिपेंडेंस भी आपस में बस रही है। बस इसमें आप ये याद रखना, ग्लोब है, ग्लोब में जितनी भी कंट्रीज है सारी आपस में एक ट्रांजेक्शन कर रही, मतलब एक कॉमन मार्केट स्ट्रक्चर बिल्डअप करने को हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें क्या क्या होता है। तो ग्लोबलाइजेशन यानी कि क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट्स ऑफ गुड्स सर्विसेज और जो भी चीज है ना, वो सारी चीजें पीपल ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज सबका क्रॉस बॉर्डर। यानी कि अभी भी आप इंडिया में देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी एमएनसीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज जो काम करती है, फॉरेन की कंपनीज भी यहाँ काम करती है। तो कैसे हो रहा है? सब ग्लोबलाइजेशन से ही हो रहा है कि हर कोई एक इकोनॉमी एक्सचेंज कर सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या आता है? इंक्लूड्स क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट कर सकते हैं, क्रॉस बॉर्डर, क्रॉस द बॉर्डर गुड्स का, सर्विसेज का, कैपिटल का भी, टेक्नोलॉजी का, पीपल का, ऑर्गेनाइजेशन का, ये सब हमारा इंक्लूड करता है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद बात आती है, अगर आपको क्वेश्चन में डेफिनेशन पूछता है तो ये याद रखिएगा कि डेफिनेशन को आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे और हमेशा डेफिनेशन के साथ उसके राइटर का नाम लिखेंगे तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। मीनिंग आप ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं लेकिन डेफिनेशन को नहीं, उसमें आपको राइटर का नाम मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें आप बेसिकली एक डेफिनेशन लिखेंगे तो काफी है, मैंने ये लिखी है, इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना आपको अगर कोई इजी मिलती है तो आप वो भी ले सकते हैं। इसमें ये जो डेफिनेशन है जैसे कि मैंने लिखा है, मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है और उसके बाद राइटर का नाम भी लिखा है, सेम फॉर्मेट आप भी यूज करेंगे, आपका आंसर अट्रैक्टिव दिखेगा। अंडरलाइन कर देना कि डेफिनेशन को, उसके बाद बॉक्स में लिख देना या अंडरलाइन कर देना जो राइटर है। लिखा है ग्लोबलाइजेशन कैन बी डिफाइंड सिंपली एज द एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमी। हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को एक्सपेंड कर रहे हैं, हम सबसे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं अक्रॉस पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ द नेशन। नेशन की पॉलिटिकल बाउंड्रीज से ये होता है हमारा, जो ये डेफिनेशन जो दिया वो किसने दिया है? दीपक नायर ने दिया। ठीक है, तो ये आप नाम भी लिखेंगे। फिर आता है पैरामीटर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी कि ग्लोबलाइजेशन के पैरामीटर्स क्या है, किस पे वो काम करता है। तो पहली बात कि ग्लोबलाइजेशन बोलना क्या चाहता है उसको बोलते हैं पैरामीटर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब आता है कि कोई भी ट्रेड बैरियर नहीं होना चाहिए, मैं जहां से भी ट्रेडिंग करना चाहूं मैं कर सकता हूं। तो पहला पैरामीटर है मिनिमम ट्रेड बैरियर। ठीक है, फर्स्ट इज मिनिमम ट्रेड बैरियर। नेक्स्ट आता है बॉर्डरलेस वर्ल्ड, ये भी एक पैरामीटर है ग्लोबलाइजेशन का, यानी कि बॉर्डर नहीं होना चाहिए, हम कहीं पे भी ट्रांजेक्शन करें बॉर्डरलेस वर्ल्ड। तो मिनिमम ट्रेड बैरियर, बॉर्डरलेस वर्ल्ड, ये तो आप ग्लोबलाइजेशन के नाम से ही याद कर सकते हैं। फिर आता है
फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, ये अलग अलग आप लिख सकते हैं, 5 पॉइंट बन जाएगा। फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, कैपिटल को मूव कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखाया था। फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को भी। उसके बाद लेबर भी कहीं कहीं कहीं, जैसे कि इंडिया से बहुत लोग फॉरेन में जाके काम करते हैं, ऐसे तरीके से फ्री फ्लो ऑफ लेबर, ये सब ग्लोबलाइजेशन के पैरामीटर्स यानी कि उसके कंसेप्ट में आते हैं। नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। 6 फीचर्स अगर आप 8 मार्क्स के क्वेश्चन में लिख रहे हैं तो वो काफी है, उससे ज्यादा आप ना बढ़ाएं, क्योंकि ज्यादा लिखने से हमारी जो थिंकिंग कैपेसिटी या क्वालिटी रहती है वो डिक्रीज हो जाती है, इसलिए कम लिखो लेकिन अच्छा लिखो। नेक्स्ट आता है फीचर, पहला ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी से ये बोलना चाहता है कि इकोनॉमी सिर्फ एक बॉर्डर के अंदर रिस्ट्रिक्ट नहीं रहनी चाहिए, वर्ल्ड टू मतलब कंट्रीज टू कंट्रीज एक्सचेंज होनी चाहिए, ओपन इकोनॉमी होनी चाहिए, ट्रांजेक्शन बॉर्डरलेस होनी चाहिए, ये सब। उसके बाद कंज्यूमर सेंटर इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी का सेटअप जिसपे कंज्यूमर को फोकस किया जाए, वो मैन्युफैक्चर किया जाए जो कंज्यूमर डिमांड कर रहा है, कि व्हाट इज इन डिमांड। तो कंज्यूमर सेंटर्ड इकोनॉमी लेके हम चलते हैं ग्लोबलाइजेशन पे, कि क्या डिमांड आ रही है, फिर ओपन इकोनॉमी होनी चाहिए। नेक्स्ट फीचर आता है कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी। अब भैया ग्लोबलाइजेशन से कॉम्पिटिशन तो अराइज होगा ना, बिकॉज ऑफ, क्योंकि अब हम कॉमन मार्केट ले रहे हैं पूरे वर्ल्ड को, कोई एक पर्टिकुलर एरिया नहीं, अब हम कहीं से भी सामान खरीद सकते हैं। तो जितने भी बिजनेस है, इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, उन सब में क्या है, एक सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन आ रहा है। नेक्स्ट आता है बॉर्डरलेस वर्ल्ड। ये तो आपको पता है ना कि ग्लोबलाइजेशन मतलब पूरे ग्लोब से ट्रेडिंग, यानी पूरी कंट्रीज कहीं से भी ट्रेडिंग करना। सो देयर इज नो बॉर्डर, बॉर्डरलेस वर्ल्ड हम ये एस्टैब्लिश करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो ये भी इसका फीचर है। फिर नेटवर्क इकोनॉमी। नेटवर्क इकोनॉमी का मतलब कि कहीं ना कहीं विद द हेल्प ऑफ आईटी और टेक्नोलॉजी हम कंट्रीज एक दूसरे से कनेक्टेड है विद थ्रू इंटरनेट टेक्नोलॉजी। तो ये नेटवर्क टेक्नोलॉजी है जो कि सारी कंट्रीज को एक दूसरे से कनेक्ट रखती है, और ये भी किससे हो पाया है, विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फिर आता है शिफ्ट इन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कंसेप्ट को अब हम लोग शिफ्ट कर दिए हैं, बेसिकली अब हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं, सस्टेनेबल यूज ऑफ गुड्स, ऐसा का हमारा जो कंसेप्ट है वो चल रहा है। पहले हम सिर्फ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे थे, लेकिन अब कंट्रीज के कॉन्टैक्ट में आए हैं, तो हम बाकी कंट्रीज को देख रहे हैं ना कि हाउ दे आर वर्किंग, एनवायरमेंट फ्रेंडली वो लोग काम कर रहे हैं। तो अब हमारा जो डेवलपमेंट का कंसेप्ट है वो भी चेंज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ये थे फीचर्स, मीनिंग्स, आप इसको करो नोट। इसके बाद हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो चलिए देखते हैं अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। तो पहला है ऑब्जेक्टिव्स टू प्रमोट इंडियन एमएनसीज। अब मैं आपको बताऊं कि ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ, यानी कि 1991 में। मास चेंजेस, जो भी इकोनॉमी हम पीछे चल रही थी उसको कवर अप करने के लिए ही हम ग्लोबलाइजेशन लेके आए थे। तो उससे आप याद करो कि ग्लोबलाइजेशन के हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो पहला है कि एमएनसीज, मल्टीनेशनल एमएनसीज को, कंपनीज को प्रमोट करना इंडिया में, ताकि इंडिया में लोग आए, काम करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और इकोनॉमी बढ़े। तो ये था। उसके बाद इकोनॉमिकली बैकवर्ड था बहुत 1991 में इंडिया, तो उसको क्राइसिस को हटाने के लिए भी हम ग्लोबलाइजेशन लेके आए थे। तो नेक्स्ट पॉइंट बन जाएगा टू ओवरकम इकोनॉमिक क्राइसिस, जो भी इकोनॉमिकली हम बैकवर्ड थे, जैसे कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, ये सब इनको हटाने के लिए ग्लोबलाइजेशन लेके आया था। तो ये एक हमारा ऑब्जेक्टिव है। फिर आता है स्पीडी ग्रोथ, ग्रोथ अच्छे से हो पाए। अब सब एक साथ मिलकर ट्रांजेक्शन करेंगे या ट्रेडिंग करेंगे, तो स्पीडी ग्रोथ भी हमारा एक था। उसके बाद लिख सकते हो टू सिक्योर स्पीडी ग्रोथ। नेक्स्ट आता है टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल। ऑब्वियस सी बात है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही क्या होता है कि हम पूरे ग्लोब बॉर्डरलेस ट्रेडिंग करेंगे, यानी कि फॉरेन कैपिटल का ट्रांजेक्शन तो भाई, तो हम ज्यादा से ज्यादा फॉरेन कैपिटल लाना चाहते थे अपने कंट्री में, तो ये भी हमारा एक उद्देश्य था ग्लोबलाइजेशन का। फिर आता है कंपटीशन इंक्रीज हो, फ्री प्ले ऑफ कंपटीशन, मार्केट में कंपटीशन बढ़े और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स डेवलप हो, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो, टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेशन हो, कैपिटल इंक्रीज हो, ये सारे आप उसके ऑब्जेक्टिव्स में लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ 6 पॉइंट्स ही लिखे हैं, आप और अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं अगर इजी लाइन मिले तो, बस क्लियर और कंसाइज आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट टॉपिक खत्म होता है, ग्लोबलाइजेशन के फीचर्स, मीनिंग, डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। आई होप इस वीडियो से आपका पूरा क्लियर होगा और 8 मार्क्स पूरे डन है। मिलते हैं, चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का। तब तक के लिए थैंक्स फॉर